उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, देवभूमि उत्तराखंड की घर घर गांव की आवाज। और आज हम जड़ाव खान संग्रहालय में मौजूद हैं। यहाँ पे ऐसे टैलेंट को हम दिखाएंगे आपको, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। पूरे क्षेत्र में इनका काम चलता है लोहे का, और लोहे से भी कोई भी सामग्री आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो चलिए उसी व्यक्तित्व से, यहाँ पे व्यक्ति से हम मिलते हैं। तो सबसे पहले बीसी, आपका बहुत बहुत स्वागत वॉइस ऑफ माउंटेन पे। धन्यवाद जी। तो सर ये बताइए कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं 12 साल हो गए मेरे को, 2008 से शुरू किया था मैंने। और पहले मैं जो है दुबई मस्कट रह चुका हूँ, तो वहाँ भी एयर कंडीशन का काम करता था, और ये फ्रिज मैकेनिक कल का पूरा प्लम्बिंग का ये सब जो है मेंटेनेंस का काम जो है वो कर देता था। तो मैं अपने दर्शकों को इनका पूरा नाम बता दूं, बचन सिंह बिष्ट जी ये है, बचे सिंह बिष्ट जी। और ये मूलतः गांव आपका संगलिया वल्ला रिंगलाना। तो सर अपना नंबर भी दर्शकों की सहूलियत के लिए अपना नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि हाँ, यूट्यूब चैनल हमारा। हाँ जी, मेरा नंबर है 7817901201। तो ये नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको कोई भी सामग्री यहाँ पे बनवाना हो या कोई भी चीज़ लोहे से संबंधित आपको यहाँ पे बनाना हो, तो बचे सिंह बिष्ट जी से यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। तो सर इसमें दिक्कत कितनी आती है आप लोग? दिक्कत तो माल लाने में दिक्कत आती है, वहाँ से जो है कन्वेंस जो है यहाँ से जो है सीधा बुक करना पड़ता है माल लाने के लिए, और फिर जो है कम से कम 4-5 हज़ार रुपये जो है किराया लग जाता है यहाँ माल लाने में। अब तक सर आप क्या क्या वस्तुएं यहाँ पे बना रहे हो? मैं सभी वस्तुएं बना देता हूँ यहाँ पे, रेलिंग हो गया, गेट हो गया, ग्रिल हो गया, लेकिन चैनल गेट और शटर नहीं बनाता बस। बाकी जो है लोहे से जितने चूल्हे हो गए और जितने भी सामग्री है वो लोहे का पूरा बना देता हूँ, खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह वगैरह सब। चूल्हे की बात आई है दोस्तों, मैं आपको जैसे पहले भी मैंने चूल्हा दिखाया था आपको, चूल्हा आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लाजवाब, ये भी मैंने खरीद रखा है यहाँ पे। और ये चीज़ें आप यहाँ पे बनवा सकते हैं, रामनगर बुआखाल हाईवे पे यहाँ पे इनकी दुकान है रोड पे। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे लोहे से संबंधित कोई भी सामान आपको बनवाना है, तो जैसे हमने इनका नंबर अभी आपको दे दिया है। तो सर आजकल कितनी डिमांड है? आजकल डिमांड बहुत है मेरे पास, तो एक एक दो दो महीने से मैं जो है कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ, कि कोई बोल रहा है मेरा जरा सिर जीना नाप दे, कोई कुछ बना दे, कुछ कर दे, उधर एक एक महीना लग जाता है मेरे को। अभी घर में जो है सारा काम पड़ा हुआ है, अभी आदमी जो लोग जो है अभी एक आदमी आया है कहाँ से पीपली सिमटंडा से, दो दरवाजे का ऑर्डर दे के गए और उनका जो है ये माल काटने जा रहा हूँ। तो सर इसमें कितनी परेशानी आती है? मतलब अभी तो आपने बताया कि सामान लाने में थोड़ा परेशानी होते हैं, लेकिन इसमें जैसे आप बिजली से काम करते हो तो इस पे मतलब कभी नुकसान का? हाँ, मतलब ये है कि कभी लाइट नहीं रहे तो उस टाइम जो है किसी का काम टाइम से नहीं होता है। मतलब जैसे कि माना किसी का इंतजार कि भाई हमने चलो काम करवा के जाएंगे, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है, कभी लाइट नहीं रहती है, कभी कुछ नहीं होता है, तो ऐसे दिक्कत आ जाती है। हाँ, ये तो वो एक दिन का काम दूसरे दिन जो है देना पड़ता है। सर ये बताइए बिष्ट जी कि इसमें आपने कुछ हेल्पर भी रखे हैं? हाँ जी, दो तीन लड़के मेरे ही हैं, वो वही काम कर रहे हैं। कभी कभी है जो है इधर उधर अपने भाई उनसे जो है सामान ले जाना, उनको भी जो है काम दे देता हूँ। इसमें परिवार वालों का कितना सपोर्ट मिलता है? परिवार वालों का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो काम मतलब जो है हमारे घर वाले तक भी जो है वो काम करने पे जो है वो भाई ये सामान निकालो, ये सामान लोड करो, ये सामान अनलोड करो,
ये सब परिवार वाले ही करते हैं ज्यादा। तो दर्शकों, आज मैं उस टैलेंट के पास यहाँ पे आया हूँ। मैंने पहले भी कहा कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरे क्षेत्र में चलते हैं और जहाँ जहाँ इनको सामान बनाने का ऑर्डर मिलता है, ये लोग बेखूबी से उस डेट पे उस सामान को परचेज करते हैं, बेच देते हैं। तो इन्होंने 3-4 लोगों को भी रोजगार दिया है, क्योंकि कोरोना काल लगातार पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। तो उस एक मुसीबत की घड़ी में, मतलब उस दौरान भी हमारा काम जो है पूरा, मतलब जो है चलता रहा कोरोना काल में भी। तो कोरोना काल में भी इन्होंने काम को नहीं छोड़ा। यहाँ पे 3 लड़के उनके भी खुद के साथ में हैं जो काम करते हैं, उनका हाथ बटाते हैं। तो लगातार वॉइस ऑफ माउंटेन पे हम ऐसी खबरें आपको दिखाते हैं जो आपकी जिंदगी या हमारी जिंदगी से रूबरू होते हैं और काम आने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हमने उस्ताद जी का नंबर भी जनरेट कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कभी भी आप नैनडान ब्लॉक में हैं या रिगणी काल में, तो आप इनसे अपने सामान का ऑर्डर ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसी प्रकार वॉइस ऑफ माउंटेन पे नई जगह पे नई पर्सनैलिटी से मिलने की कोशिश करेगा। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे ना? आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लेके अपना ध्यान रखें। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।